तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज एक नया अपडेट आया हुआ है ONGC की तरफ से, उसके बारे में ही आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आया तो। गाइस, हम अपने फोबी इंजीनियर्स अपने चैनल पे 82 के आसपास, 82.9 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी ये 100 के हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं देखता हूँ बहुत जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस देख लेते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। मैं अपना यूट्यूब का एनालिटिक चेक करता हूँ, तो उसमें मुझे ये सब चीज़ें दिखाता है। सो प्लीज़, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम तो गाइस, हम ONGC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ONGC का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे कैरियर सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट वगैरह चीजें दी है, रिक्रूटमेंट नोटिस, रिक्रूटमेंट पॉलिसी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस पे आप चलेंगे तो आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप की जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा 2020 में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो उसका मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके बारे में हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे और लिंक वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के थ्रू अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकली हुई है ONGC की तरफ से। ठीक है, और ये आज ही निकला हुआ है और आज से ही इसका फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाकर भर सकते हो 29 तारीख से। ठीक है, आज से ही स्टार्ट है। अब इसमें हम बात करें तो ये बहुत सारे अलग अलग रीजन में ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अलग अलग रीजन की बात किया जाए, फॉर एग्जाम्पल देहरादून की बात किया जाए तो देहरादून में टोटल 9 रिक्रूटमेंट हैं, जिसमें आप नंबर ऑफ सीट देख सकते हैं 20 20 20 20 सीट है। और ओवरऑल बात किया जाए तो ओवरऑल इनकी तरफ से जो ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है गाइस, ये लगभग 4,041 के आसपास ये सीट निकली हुई है। तो बहुत भर भर के यहाँ पे अच्छी खासी आपके लिए यहाँ पे निकला है। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है गाइस, जो लोग घर में बैठे हैं, इससे अच्छा आप यहाँ से एक साल की अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में देना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंटेंट के लिए 20 सीट है, असिस्टेंट HR के लिए 20, सेक्रेटरियल असिस्टेंट ITI के लिए 20, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा के लिए 30 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 20 सीट है, फीटर में 10, लेबोरेटरी असिस्टेंट में 20, मैकेनिकल डीजल में 20, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में 20 रिक्रूटमेंट है। तो देहरादून का, वैसे ही आप अगर दिल्ली का देखोगे तो दिल्ली में टोटल 6 पोस्ट है जिसमें 4 4 2 इस तरीके से सीट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जोधपुर में रिक्रूटमेंट है टोटल 6 पोस्ट पे, यहाँ पे आप नंबर ऑफ सीट्स भी देख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं मुंबई में, तो कहा जाए तो मुंबई में अच्छी खासी यहाँ पे आप देख सकते हो 478 के आसपास सीटें निकली हुई हैं और आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। गोवा में टोटल 5 निकला है पोस्ट, अकाउंटेंट असिस्टेंट HR कोपा केमिकल प्लांट और ड्रॉटमेंट में, और सीट आप देख सकते हो टोटल 16 सीट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हजारिया में देखा जाए तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल 162 सीट है। आगे बात करते हैं अर्बन एरिया में देखा जाए तो अर्बन एरिया में आपको टोटल यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज मुंबई सेक्टर को लेकर, एक्चुअली अर्बन एरिया का देखा जाए तो टोटल 108 सीट है यहाँ पे। नाउ वेस्टर्न सेक्टर की बात किया जाए तो वेस्टर्न सेक्टर में हमारा आता है कैम्बे, या कैम्बे में जो हमारा टोटल 132 सीट है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लैश हो रहा है आप देख सकते हो। वडोदरा की बात करें तो वडोदरा में टोटल 13 है और उसमें 168 पोस्ट है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो। अंकलेश्वर में आप देख सकते हो टोटल 18 पदों पे निकली हुई है और 7463 सीटें हैं। आगे अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में भी 465 की सीट है, काफी अच्छा है रिक्रूटमेंट अहमदाबाद के लिए भी निकली हुई है। मेहसाना में अभी आप देख सकते हो ओवरऑल मेहसाना में भी लगभग 351 के आसपास है, और ऐसे वेस्टर्न टोटल वेस्टर्न सेक्टर में 1500 के आसपास, कहा जाए तो 1580 के आसपास यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली है। ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ईस्ट में हमारा जोरहत आता है, यहाँ पे टोटल 156 रिक्रूटमेंट निकली हुई है, फ्लैश हो रहा है आप देख सकते हैं। सिलचर में भी निकली हुई है 49 सीट्स। आगे देखिए नजारिया एंड शिवा सागर में टोटल 511 सीट निकली हुई है, इस पदों में आप इसकी डिटेल देख सकते हो। तो ईस्टर्न सेक्टर में टोटल 716 है। वैसे ही साउथर्न सेक्टर की बात किया जाए तो चेन्नई में 72 सीटें हैं, कैंकड़ा में 58, राजामुंदरी में 308, कराईकाल में 236 और साउथर्न सेक्टर में टोटल 674
वैकेंसीज है। सेंट्रल सेक्टर की बात करें तो अगरतला में 163, कोलकाता में 58 और सेंट्रल सेक्टर में टोटल 221 यहाँ पे सीटें अवेलेबल। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात, इसकी स्टार्टिंग डेट आज से हो चुकी है 29/7/2020, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त को। 17 अगस्त से पहले आपको अप्लाई कर लेना है जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हो। एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो एज क्राइटेरिया में 18 साल से लेकर 24 साल तक आपका एज होना चाहिए, 18 से 24 के अंदर आपका एज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका 17/8/2020 तक में आपका एज 18 से 24 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को जैसे 5 साल 3 साल 10 साल मिलता है, वैसे यहाँ भी है। अब बात करते हैं अकाउंटेंट में, अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अकाउंटेंट जहां जहां भी आपको दिख रहा था वहां पे अगर आपने कॉमर्स से बीकॉम कर रखा है, ठीक है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो पोस्ट था उसके लिए बैचलर अगर आपने बैचलर डिग्री जैसे ग्रेजुएशन कर रखा है अगर बीए बीबीए में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरिकल असिस्टेंट में आईटीआई कर रखा है आप, ट्रेड स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड सेक्रेटरिकल प्रैक्टिस है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ITI इन कोपा से कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉटमैनशिप सिविल के लिए ITI अगर आपने ड्रॉटमैन से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। ITI फिटर है, ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, ITI इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने BSc कर रखा है विथ PCM और PCB तो अप्लाई कर सकते हैं। BSc वाले को भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है यहाँ पे, ठीक है। या ITI कर रखा है आपने लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो ITI लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट ITI मशीनिस्ट से कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI मैकेनिक डीजल ट्रेड से कर रखा है तो आप इस मैकेनिकल डीजल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI RAC रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन से कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI प्लम्बर से कर रखा है तो इसके लिए, ITI सर्वर से कर सर्वेयर से किया है तो सर्वेयर्स के लिए, ITI पास आउट है वेल्डर या गैस इलेक्ट्रिक से तो वेल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के जो पोस्ट आपको दिखेंगे सिविल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड तो यहाँ पे कुछ लोग ITI के बाद जब डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा रहता है और जो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो 3 साल का रहता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है कि फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए, तो 2 साल में जो जिसने डिप्लोमा किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने 3 साल में डिप्लोमा किया है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग 1 साल का रहने वाला है। अप्रेंटिसशिप जो ड्यूरेशन ऑफ जॉब है आपका 1 साल रहेगा, 12 मंथ, ठीक है। स्टाइफंड यहाँ पे हैं वही जो आपको अलग अलग बेसिस पे मिलेंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, ज़्यादा कुछ डिटेल लिखा नहीं गया है। तो समझ लीजिए डिप्लोमा वालों के लगभग 10-11-12 हज़ार के आसपास, ITI वालों का लगभग 8 हज़ार, BSc वालों का 10 हज़ार, BCom वाले के 10 हज़ार, इसी तरीके से होगा, ठीक है। सेलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। सेलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेंड एंड मेरिट ड्रॉ। तो यहाँ पे मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट मेरिट बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। परसेंटेज आपका इसमें अच्छा है तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे और काफी ज्यादा सीट भी निकली हुई है अलग अलग एरिया में, ठीक है। कुछ कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली, ये सब आपको पढ़ना है अच्छी से पूरी चीजें, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो अप्रेंटिसशिप पीरियड, आप इससे पहले कहीं अप्रेंटिसशिप आपको नहीं, पहले से अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखा है तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अपनी अप्रेंटिसशिप वाली ट्रेड ITI वाले जो हैं लोग उनको अपनी apprenticeship.org पे जाना है, वहाँ से ट्रेड मेंशन जो नंबर है उसको लेकर यहाँ पेस्ट करके आपको आगे बढ़ना है। बाकी जो नेट्स पोर्टल हैं, पोर्टल MHRD NETS डिप्लोमा वाले जाकर या ह्यूमन रिसोर्सेज वाले, इन लोग जाकर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का डिटेल लिखा है, कैंडिडेट मीटिंग द अबव प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट ऑन ONGC वेबसाइट, इस पे विजिट करना है एंड अप्लाई इनके बीच में, ठीक है। ये सब पेपर बेस्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओनली ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, बाकी मेन मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताई दिया हूँ। स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट देख लीजिए 17 अगस्त को है और 24 अगस्त को आपको आपका वो मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है 24 अगस्त को आपको पता चल जाएगा। और 24 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में रिसीव कंफर्मेशन, आपको कंफर्मेशन ईमेल मिल जाएगी, ठीक है। नाउ
बाकी आप देख सकते हो ऑल डिस्ट्रिक्ट से, यही आज का नोटिफिकेशन था। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत वगैरह आपको आती है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हमारे टेलीग्राम का नीचे लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, आप हमसे वहाँ डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।